वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों एक्सरसाइज 4.1 मैंने आपको कंप्लीट करवाया। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी आपको बताया था कि कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ये सारे चीजें मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। आज जो कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 कवर करेंगे और उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। सो देखो पहला जो कॉन्सेप्ट है रिड्यूसिंग, राइट, रिड्यूसिंग अ फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म, यानी किसी भी फ्रैक्शन को कैसे हम कम करेंगे यानी रिड्यूस करेंगे, राइट। तो आप यहां पे इस फिगर से समझिए, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि टोटल 8 पार्ट है और 4 से एडेड पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होने के बाद 2/4 आ गया, फिर ये 2 से डिवाइड होता है 1/2, फाइनली ये क्या हो गया, ये 1/2 आया। और ये जो है ना ये हमारा लोएस्ट फॉर्म है, ये जो है सबसे लोएस्ट है, इसके बाद ये लोएस्ट नहीं हो सकता। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1/2 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो 2/4 है, 4/8 भी है। जैसे इससे पहले हमने आपको समझाया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो यही आप यहाँ पे लिखा है द फ्रैक्शन 4/8, 2/4 एंड 1/2 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2, बट राइट, बट 1/2 इज द लोएस्ट टर्म्स। 1/2 क्या है, लोएस्ट टर्म्स है। इसमें आप मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब देखो इसका ना दो मेथड होते हैं, राइट, दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला मेथड आप ये समझिए, कीपिंग डिवाइडिंग द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बाय वन ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स ग्रेटर देन 1 टिल नो फर्दर डिविजन इज पॉसिबल। तो एक मेथड ये है कि आप उसको इस हिसाब से कर सकते हैं, राइट, कह रहे कि 1 के अलावा कोई इसका जो है नो, कह रहे 1 टिल फर्दर डिविजन इज पॉसिबल, राइट, यानी आप कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। या दूसरा मेथड में आप ये कह सकते हैं कि डिविजन द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर बाय देयर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आप वो कर सकते हो, या फिर इसका जो कॉमन फैक्टर है आप वो कर सकते हो। तो इन दोनों मेथड को आप ऐसे समझिए एक एग्जांपल के थ्रू। देखो यहां पे एग्जांपल नंबर 4 में क्या, रिड्यूस 16/48 टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो लोएस्ट फॉर्म दो तरीके से निकाल सकते हो, पहला एक कॉमन फैक्टर को निकाल सकते हो, एक तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है और एक लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी आप, या फिर कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए पहला मेथड यूज कर रहे हैं, 16 को 2 से डिवाइड कर ले तो 8/24 आ गया, ठीक है। तो देखो ये कॉमन, ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो ये फिर भी 2 से कट रहा है तो ये 2 से कट गया, अगेन ये डिजिट आ गया, राइट, फिर ये 2 से कट रहा है तो हमने 2 से लिखा, फिर ये आ रहा है तो ये फिर 2 से कट रहा है, फाइनल जाकर के हमारा रिजल्ट 1/3 आया। यानी आप ऐसे कह सकते हो ये तो क्या हो गया, छोटे छोटे से अब प्राइम फैक्टर निकल के आ गया, यानी 2 क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर है इनका, ठीक है। सो हेयर इज रिटन 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 16 एंड 48, तो 16 का और 48 का जो 2 है वो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अच्छा अब ये जो है 1/3 इज लोएस्ट फॉर्म। दूसरा मेथड देखिए, हाइएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो 16 आ रहा है, 16 से ये भी कट रहा है, 16 से ये भी कट रहा है, तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और ये जो हाईएस्ट होगा ये आपका HCF निकल के आ जाएगा। सो द HCF ऑफ 16 एंड 48 इज 16, है ना, क्योंकि हाईएस्ट ये फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे ये एग्जैक्टली ये दोनों डिवाइड हो रहा है, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको जो भी मेथड इजी लगे रिड्यूसिंग का, राइट, आपको ये जो कॉमन फैक्टर है आप इस हिसाब से कर सकते हो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के हिसाब से आप कर सकते हो, दोनों से आंसर एक ही आना है। आपको जो इजी लगे बच्चों आप वो मेथड यूज करके कर सकते हो। तो चलिए आगे हम एक्सरसाइज में देखते हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछना है। देखो एक्सरसाइज 4.2 की बच्चों में बात करूं तो यहां पर कह रहे हैं रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म, यानी रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में। तो 5 को अगर 5 से आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा।
और 10 में अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू जा 10, 2 से हो जाएगा तो 1 बाय 2 आ जाएगा। अब आप यहां पे देखिए 3 में अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। 9 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 तो 1 बाय 3 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब आप यहां पे देखिए 6 डिवाइडेड बाय 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। और 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 तो 1 बाय 3 आ गया। ठीक है। अच्छा अब बी में देखिए क्या रहा है, रिड्यूस, क्या कह रहे हैं आपको बी में, रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। तो कह रहे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिवाइड करके रिड्यूस करना है, देयर कॉमन फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। दैट मीन्स मेथड फर्स्ट जो था, मेथड फर्स्ट यही कर रहा था कि आप डिवाइड करके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर लिखना है। क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर लिखना है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे देखो 2 1 जा 2 ठीक है, और 2 5 जा 10 तो 1 बाय 2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब ये देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 तो 1 बाय 3 इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 तो 1 बाय 2 आ जाएगा आपका रिजल्ट। अब ये भी देखो, इससे अगर करोगे 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 तो 1 बाय 3 रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पे देखो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 तो 2 बाय 3 रिजल्ट आ जाएगा आपका। यहां पे 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 तो 2 बाय 3 रिजल्ट आ जाएगा आपका। राइट। अच्छा अब आप यहां पे देखो 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 तो 2 बाय 7 रिजल्ट आ जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 तो 1 बाय 2 आ जाएगा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 तो 4 बाय 3 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 1 बाय 4 आ जाएगा। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 ये आ जाएगा। अब यहां पे देखो 6 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 6 जा 6 6 जा 36 होता है, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 और ये हो जाएगा 3 तो 2 बाय 3 निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये आपका 2 बाय 3 आ गया। तो बात समझ में आया, बहुत बेसिक है, आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डिवाइड करके यानी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लोएस्ट टर्म बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर बाय देयर एलसीएफ। यानी आपको इससे पहले हमें क्या कह रहा था कि लोएस्ट टर्म निकालना था न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके देयर कॉमन फैक्टर। अब हमें क्या कह रहा है, एचसीएफ की तरफ से निकालना है। राइट। तो देखो उसमें भी मैंने डायरेक्ट निकाल दिया था आपको, यहां पे भी मैं डायरेक्ट करके ही दिखाऊंगा, है ना। देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 6 से डिवाइड हो जा रहा है क्या, इसको अगर करोगे 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 ठीक है। तो 7 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 7 से 7 6 42 ठीक है, 7 7 49, 7 8 56 ठीक है, तो 6 बाय 8 आ रहा है, है ना। 7 से डिवाइड हो रहा है ना, 7 6 42। अब देखो ये और भी कट रहा है तो आप इसमें इसे कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी 14 से कट रहा है। फाइनली हाईएस्ट जो है इसका 14 निकल के आ जाएगा, 14 दुना 8 है, 34 42, 14 चौका 56, यानी 14 आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर आप एचसीएफ लिखना चाहेंगे ना तो वैसे इसका 14 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है और 2 है तो 7 2 जा 14 तो ये 14 आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। बात समझ आया कि जो 42 है और 56 है, 42 और 56 का जो कॉमन हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 14 है, 14 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। इसमें देखो 9 हो जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा और 9 से ये भी कट जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होगा, 9 3 27, 9 चौक 36 तो ये सबसे छोटा नंबर आ गया। तो इसका अगर आप एचसीएफ की बात करें ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27 और 39 36 का जो होगा ना वो 9 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब अगर इसकी मैं बात करूं, देखो 5 5 जा 25 ठीक है, और 5 9 जा 45 होता है,
तो इसका अगर मैं HCF की बात करूं ना बच्चों, तो HCF इसका 5 आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 5, 5 से कट रहा है तो 5 आ जाएगा। इसमें आप देखो 6 से कट रहा है ना, 36 18, 6 5 30, तो ये हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। या इसका अगर HCF की बात करूं मैं, तो HCF जो है आपका 6 आ जाएगा। वैसे आंसर आपको ये मिलेगा, आंसर आपके बुक में ये होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कह भी रहा है कि HCF, इसलिए मैं आपको साथ साथ HCF भी आपको समझा रहा हूं कि इस दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 5 आ जाएगा, इस दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 6 आ जाएगा। अब यहां पर देखो, ये 9 से कट जाएगा, 9 6 36 और 9 81 9 आ जाएगा। तो यानी इस दोनों नंबर का जो अगर HCF की बात करें तो HCF जो है वो 9 आ जाएगा। 9 6 36 हो गया, 9 से कट रहा है ये भी और ये भी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखिए इसको किस हिसाब से काटेंगे। 2 से कट रहा है, 11 6 66, 6 से काट दो, ठीक है, 6 से काटोगे तो 11 आ जाएगा और ये 9 6 54 9 आ जाएगा। यानी 11 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। और अगर मैं इसका HCF की बात करूं तो ये 6 से कटा है तो 6 आ जाएगा। वैसे ये आपके आंसर्स नहीं होंगे बच्चों, आंसर तो आपका यही होगा, जैसे इसका जो आंसर मैंने क्या लिखा, 11 अपॉन में 9 लिखा है ना, तो 11 अपॉन में 9 लिखा है, तो आपके आंसर बुक में ये मिलेंगे। बट ये क्वेश्चन कह रहा है देयर HCF, तो मैं ये भी लिख दिया हूं आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आ जाएगा, इस दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आ जाएगा, 18 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आ जाएगा, 25 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा, 27 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 आ जाएगा, और 42 और 56 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 आ जाएगा। तो ये इसका HCF निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गया, लोएस्ट फॉर्म कैसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया, क्लियर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।